Assalamualaikum and good morning for everyone. तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे. तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ कच्ची अखनी की दम बिरयानी. तो हैदराबादी दम बिरयानी कच्ची अखनी की. तो आप लोगों को वैसे भी हैदराबाद सुनते ही मालूम हो गया कि लजीज बिरयानी बनती है. तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे 2 kg चिकन लिया है. तो पीसेस आपके हिसाब में अकॉर्डिंग से कट कर लीजिएगा. यहाँ पे मैंने जो लेग पीसेस है उसको कट मार दिया है यहाँ पे, ताकि जल्दी से वो हो जाए, मैरिनेट हो जाए. तो चिकन मैरिनेट करेंगे हम. तो यहाँ पे मैंने 2 kg चिकन लिया है और 1.5 kg राइस लूँगी. और उसका मैं आपको मेजर बता दूँगी क्या क्या मैं इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ और कितने कितने ले रही हूँ, ठीक है. यहाँ पर हरा धनिया लिया है, मीन्स कोथमीर ली है. अच्छा, एक मुट्ठी भर के ली है इसको मैंने, कट करने के बाद एक मुट्ठी भर के है ये. तो बारीक बारीक सा कट कर लिया मैंने, इसे भी धोया नहीं है, बस कट करके रखा है, धो के डालना पड़ेगा. और यहाँ पे लिया है मैंने गरम मसाला 1 स्पून, टर्मरिक 1/2 स्पून, चिल्ली पाउडर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 3 स्पून लिया है. अगर आपको स्पाइसी लगे थोड़ा सा कम कर सकते हैं. और जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 5 टेबल स्पून लिया है मैंने. और यहाँ पे सॉल्ट टेस्ट अकॉर्डिंगली है. और यहाँ पे 2-4 हरे मिर्ची मैंने हाफ ऑफ करके ली है. अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो स्किप कर सकते हैं. और यहाँ पे 2 लेमन लिया है. जी हाँ, ज़रूरी है 2 लेमन, जब भी हमें कच्ची अखनी बन पाएगी तो 2 लेमन लीजिएगा. और यहाँ पे लिया है मैंने ऑनियन. तो ऑनियन देख सकते हैं मैंने कितने लिए हैं, 7 ऑनियन लिए हैं मीडियम साइज़ के. अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 5 ले लीजिएगा. और यहाँ पे मैंने 2 पोटैटो लिए हैं और आधी हाफ लीटर दही पैकेट लिया है. आप किसी भी ब्रांड का कोई भी दही ले सकते हैं. यहाँ पे मैंने 2 पोटैटो लिए हैं, ये भी आपको ऑप्शनल है, अगर चाहिए तो ले सकते हैं, यानी तो इसको भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे मैंने कच्ची अखनी दम बिरयानी में पोटैटो का भी यूज़ करने वाली हूँ. अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगा तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है. तो और यहाँ पे है तेज पत्ता लिया है मैंने, और 1 बड़ा लीव्स है और 2 छोटे, इसलिए मैंने 3 लिया. अगर आपके पास बड़े हैं तो 2 ले सकते हैं. यहाँ पे लिया है मैंने दालचीनी के 2 पीसेस और 1 फूल लिया, आप देख सकते हैं. 2 बड़ी इलायची ली है और काली ज़ीरा मैंने 1.5 स्पून लिया है, मीन्स 1.5 स्पून लिया है. अगर आपके पास काली ज़ीरा अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल ज़ीरा का यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया है मैंने, ब्लैक पेपर लिया है लगभग 10-15 ब्लैक पेपर्स लिए हैं. अगर आपको ये ज़्यादा लगे थोड़ा सा इसमें कम कर सकते हैं, ठीक है, स्किप नहीं कर सकते, बस कम कर सकते हैं, तो इससे टेस्ट आता है, इसलिए मैं बता रही हूँ. तो बस इतना ही इंग्रेडिएंट्स लगेगा और कुछ भी नहीं. और ऑनियन को मैं अभी करती हूँ कट करके, इसको पतले पतले स्लाइसेस में काटूंगी, आपको मैं दिखा देती हूँ. इस तरह के स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया और इसको ऑनियन को अलग अलग कर दिया. तो बस अब हम तैयारी करते हैं कि अखनी को मैरिनेट करके रखने की. बहुत ही इजी है और आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं लिया है बाहर का, अपने ही मसालों से, और टेस्टी लजीज बिरयानी बन जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे देखिएगा मैंने ऑयल रख लिया. ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है लगभग 1.5 लीटर हिसाब है ये, तो 500 ग्राम होता है, सॉरी 500 का है. तो मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर का लिया है. जो मेरा ऑयल है अच्छी तरह गर्म हो गया है, यानी कि लाइट सा गर्म हो गया. मैं पहले भी ऑनियन जब फ्राई करी थी उस टाइम पे भी दिखाया था कि ऑयल अच्छी तरह हीट हो जाएगा तो हमारी ऑनियन अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी. तो ये तेल जो है ना मेजर करके लिया है मैंने, इसके बाद ऐसे ही डायरेक्टली ये अखनी में जाने वाला है, तो इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है. तो हिसाब का ऑयल ही डाल लेंगे जितनी हमें अखनी में जानी है, ठीक है. मैं अभी डालती हूँ ऑनियन. यहाँ पे देखिएगा मेरा तेल कितना गर्म है, तो इस हिसाब से गर्म सा तेल डालेंगे तो हमारी ऑनियन जो है अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी ऑनियन फ्राई होने लग गई है. बस इसको गोल्डन बनाना है, तो जैसा करारी करारी गोल्डन बनके इस तरह बनाएंगे. जब भी इसमें टेस्ट आएगा हम प्याज को जला देंगे या काली कर देंगे, या एक तरफ गोल्डन करके एक तरफ इसका कलर चेंज रहेगा, तो ऐसी अच्छी नहीं लगेगी. एक ही कलर आना चाहिए, एक ही होना चाहिए, इसलिए मैंने इस तरह पतले स्लाइसेस में काटे हैं. और तेल इसको कितना लगता है हमारे अखनी को, मैंने इतना डाल लिया है. और इसके साथ साथ ऑनियन भी, तेल अच्छी तरह गर्म होने के बाद, मैं बार बार से आपसे ये बात कर रही हूँ.
तो यहाँ पे आप लोगों को अगर जल्दी गर्म होना चाहिए तेल तो थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे पास टाइम है तो मैं आराम से इसको फ्राई करके लूँगी। ठीक है, तो मैरिनेट के भी दिखा दिया हमने क्या क्या डालना है। अच्छा, मैरिनेट में जाएगा ये, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने बर्तन ले लिया है, ये वाला बर्तन लिया है मैंने जिसमें बिरयानी मेरी दम होती है, वो वाली बिरयानी को। तो इसी में हम चावल भी डाल लेंगे, तो उसकी क्वांटिटी देख के आप उतना बड़ा ले लीजिएगा जिसमें हमारी बिरयानी दम होएगी। ठीक है, तो मैंने ले लिया है, यहाँ पे डाल लेती हूँ मैं चिकन। तो यहाँ पे मैंने चिकन ऐड कर लिया, चिकन के साथ साथ मैं डाल लूँगी पोटैटो। मैंने थोड़ा मोटे काटे हैं ताकि इसमें चिकन के साथ साथ इसको दम भी होना है, इसलिए थोड़ा सा साइज इसका मैंने मोटा करा है। ठीक है, यहाँ पे मैं अब इसके ऊपर डाल रही हूँ टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट एंड चिल्ली पाउडर जो हमने ले रखा है, साथ ही साथ टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने दो चार हरी मिर्ची ली है, ये वाला अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो स्किप कर सकते हैं। बस अब मुझे इसमें लेना है लेमन का जूस, जो मैं ये भी ऐड करने वाली हूँ। दो लेमन लिए हैं मैंने, इसका जूस इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे छोटे छोटे लेमन थे तो मैंने दो ले लिया है, अगर आपके पास ना बड़ा वाला होगा तो एक ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने डालना है भी कोथिमीर मीन्स हरा धनिया डाल रही हूँ, लेमन जूस के बाद में डाल रही हूँ हरा धनिया, और इसके साथ साथ जो हमने दही की पैकेट ली हुई है वो वाला डाल देंगे। ये नहीं बता रही हूँ कि मैं दही की पैकेट ही डालें, चाहे आप कोई सा भी दही डालें, बस हमें यूज़ करना है कर्ड। मैं इसमें दही ऐड करूंगी हाफ लीटर वाला। तो हमने दही ऐड कर दिया, साथ ही साथ डाल दूंगी मैं ये वाला ऑनियन जो हमने गोल्डन करके निकाला, आप देख सकते हैं तेल जो है इसी में, इसी के साथ ही मैं ऐड करने वाली हूँ। बस इसको ना अभी हाथ से एक अच्छी मिक्स दिएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑनियन भी डाल दिया है, तो बस अब हम जस्ट मिक्स करेंगे। तो हाथ से ही मैरिनेट करना है इसको, मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ ये वाली बात शेयर करी है, ताकि हमें चम्मच वगैरह से इतना जल्दी वो नहीं होता, मिक्स नहीं होता जितना हमारे हाथ से मिक्स होता है। तो मैं हाथ से ही अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी इसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अखनी को अच्छी तरह एक मिक्स कर दिया, बस इसके ऊपर ना इसको बंद कर देंगे और मैं रख दूंगी 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो मैं यहाँ पे 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो 2-3 घंटे भी कर सकते हैं। अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट करना है तो इसको मिक्स करके मैरिनेट करके फ्रिज में रखना पड़ेगा, बाहर नहीं रख सकते। तो मैं अभी 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर रही हूँ, तो ऐसे ही बाहर रख दूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पानी गरम को रख दिया है, गरम होने के साथ साथ हम यहाँ पे डालेंगे बिरयानी लीव्स और दालचीनी के पीसेस और ये वाला फूल, इसके साथ साथ 2 बड़ी इलायची और काले मिर्ची, काली जीरा। अगर आपके पास ये नहीं है तो ज़ीरा आप इसको नॉर्मली ज़ीरा डाल सकते हैं, काली ज़ीरा अगर आपके पास नहीं है तो। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लेमन वाले छिलक। ठीक है, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट। बस पानी अच्छी तरह पकने लग जाएगा फिर हम डाल लेंगे अपने चावल भी और कुक करेंगे 80% तक। अभी मैं यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दिया है, बस मैं अब इसको यहाँ पे बंद कर देती हूँ और पानी गर्म को मैंने रख दिया है, अच्छी तरह पकना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी पकने के बाद हमने चावल जो सोक करके रखा है वो वाला, मीन्स मैंने चावल पानी में डाल रखा है, आपको दिखाती हूँ।
यहाँ पे देखिएगा, जैसा मैंने चावल को सॉरी पानी को उबलने के लिए रखा, ऐसे मैंने यहाँ पे चावल को भी सोक कर दिया है, ताकि ये 15 से 20 मिनट्स चावल हमारे पानी में रहेंगे। अपने चावल की क्वांटिटी देख के पानी में सोक कर लीजिएगा। तो ये वाली है अखनी, जो है हमने कच्ची अखनी को मिक्स करके रखा है, वो वाली भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसे मैं मिक्स करे हुए लगभग हो गया है 1 आवर 1.5 आवर कुछ हो गया है। तो यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो जाएगा और वहाँ पे मेरे चावल हैं। अब मैं बनाती हूँ रायता, ऑनियन रायता। तो मैंने यहाँ पे ऑनियन ले लिया है रायता बनाने के लिए, ये भी बहुत ईजी में बन जाता है। तो हमारा पानी देख सकते हैं किस तरह पकने लग गया है। तो मैं अभी यहाँ पे चावल को पानी में से निकालती हूँ। पानी में से जो हमने ड्राई आउट करना है, अच्छी तरह पूरा पानी निकालना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मैं पानी निकाल देती हूँ, और उसके बाद इसके ऊपर एक थाली बंद करूँगी और सारा पानी मैं निकाल दूँगी। निकालने के बाद ही मैं चावल ऐड करने वाली हूँ। देखिएगा मैं चावल को अच्छी तरह पूरा निकाल दिया है पानी से, ताकि अगर पानी रहेगा तो हमारे चावल ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने पानी को निकाल दिया। अभी मैं डायरेक्टली इसमें ऐसे ही ऐड करूँगी। तो मेरा पानी भी हमेशा ज़्यादा ही रहता है बिरयानी जब भी मैं बनाती हूँ, ताकि बड़े बर्तन में बनाती हूँ खुले खुले रहें और खिल के बने, इसलिए ठीक है। तो मैं यहाँ पे पानी को ऐड कर सॉरी चावल को पानी में ऐड कर दिया। अब हम 80% तक इसको कुक कर लेंगे। तो मैं चावल डालने के बाद एक बार इसको मिक्स करूँगी। इसको ज़्यादा कुछ चलाना नहीं है, चम्मच नहीं करना, यानी तो हमारे चावल फूट भी सकते हैं, टूट जाएंगे। फिर मैं एक बार इसको हिला देती हूँ और पानी देखिएगा मैंने कितना ज़्यादा डाला है। तो जब भी चावल जब भी पानी ज़्यादा होंगे और चावल नीचे होएगा तो क्वान्टिटी अच्छी होएगी, हमारा टेस्टी बनेगा और खिले खिले बनेंगे, हमारे चावल गलेंगे नहीं टूटेंगे, ठीक है। इस पर मैं अभी बंद कर देती हूँ। 80% तक कुक करेंगे और ड्राई आउट कर देंगे। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पे फूड कलर को मिल्क में वो कर लिया, मिक्स कर लिया। तो इसमें जितना मुझे लगेगा इतना ही यूज़ करूँगी, ज़्यादा यूज़ नहीं करना इसमें। तो इस वाले फूड कलर के साथ साथ मैंने लिया है ज़ाफ़रान का भी पानी। अगर आप लोगों को ज़ाफ़रान नहीं है तो खाली फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, अगर है तो मैं ज़ाफ़रान भी यूज़ करूँगी और थोड़ा सा ऊपर से छिनक भी लूँगी फूड कलर, ठीक है। तो मेरे चावल यहाँ पे गल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा चावल जो है 80% तक कुक हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिएगा। बस मैं अब इसको ड्राई आउट करूँगी, मतलब इसको छान दूंगी, पानी पूरा निकाल दूंगी। निकालने से पहले यहाँ के नींबू के छिलक जो है वो भी मैं निकाल दूंगी, और बड़ी इलायची वगैरह जो मेरे हाथ में आएगा मैं साइड में निकाल दूंगी, गरम मसाला, ठीक है। अभी मैं कर लेती हूँ ड्राई आउट। तो मैंने अपने चावल को ड्राई आउट कर दिया और यहाँ पे मेरी जो कच्ची वाली अखनी है ये यहाँ पे तैयार है। तो मैं यहाँ से चावल निकालती हूँ और अखनी में डाल देती हूँ। तो मैंने ये अखनी को आप देख सकते हैं कि पकाया नहीं, बस ऐसे ही रखा था। तो मैं इसके ऊपर ही ऐसे ही चावल डाल दूंगी। अच्छा, जो जो गरम मसाला मुझे बीच में आते रहेगा मैं वो दालचीनी वगैरह यहाँ से निकाल दूंगी। अगर आप चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं रखना है। तो पानी में पकने के बाद ना इसको जितना टेस्ट है इसमें निकल गया होगा, तो मैं अभी निकाल देती हूँ। तो पूरा चावल डालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूरा चावल ऊपर जो हमारी कच्ची अखनी थी उसके ऊपर डाल दिया है। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी ज़ाफ़रान वाटर, ज़ाफ़रान का पानी मैं ऐड कर दिया। तो अभी मुझे यहाँ पे मैं इसको क्लियर करके देख लिया था, थोड़ा सा कलर है ना कम है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे ऐड करूँगी अपना सा फूड कलर थोड़ा सा। इसको ज़्यादा कलर नहीं ऐड करना, अगर ज़्यादा करेंगे तो वो हो जाएगा। तो बस मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो कोई बात नहीं, फूड कलर ही ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने फूड कलर को ऐड कर दिया, एकदम ये फोन में येल्लो ही आ रहा है नज़र, लेकिन इतना येल्लो नहीं है, बस लाइट येल्लो है। अब इसको मैं दम पे रखूँगी 10 मिनट्स तक, इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पर रखूँगी और 20 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर रखूँगी, ठीक है। अगर आपके पास स्टोव की ये देखिएगा हाई या लो अपनी देख के
अपने हिसाब से रखिएगा। अब मेरे वाले स्टोव पे जो है मैं इसको 5 से 10 मिनट्स तक हाई फ्लेम पे रखूंगी, फिर मैं कर दूंगी लो फ्लेम, क्योंकि मेरे पास इतनी वो है, क्या बोलते हैं इसको, आंच इतनी है तो मैं इसके हिसाब से रखूंगी। अगर आपका स्टोव इससे भी ज़्यादा चलता है, तेज़ आती है आँच, तो आप इसके हिसाब से देख के रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी हाई फ्लेम पे रख दिया, 10 मिनट्स तक मैं हाई फ्लेम पे रखूँगी, फिर लो फ्लेम पे कर दूँगी। दम होने के बाद हम चेक करके ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो कच्ची यखनी की बिरयानी तैयार हो गई है, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर भी आया है और लुक भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी तक ना चिकन भी गल गई होगी काफ़ी, तो बस अभी हम कर लेते हैं सर्विंग। मैं किस में कर रही हूँ वो भी आपको पहले दिखा देती हूँ, सर्फ मैं इसमें कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे है ऑनियन धाई रायता, एंड यहाँ पे है पुदीने की चटनी, पुदीना रायता, ऑनियन रायता एंड पुदीना रायता है, और गार्निश करने के लिए ड्राई फ्रूट, आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ ना किशमिश अखरोट भी फ्राई करके ले सकते हैं, लेकिन हमें ये दो ही पसंद है तो हमने ये दो ही लिया है, ठीक है। तो इस वाले में मैं सर्विंग करूँगी, डिश आउट करूँगी, तो अभी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने राइस को कर दिया इधर से, अभी हम कर लेते हैं। जब चावल इस तरह अलग अलग बनेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे चावल गले नहीं है और अच्छी तरह बन गए। तो यहाँ पे देखिएगा बिरयानी का कलर भी आप लोगों को मालूम हो जाएगा कितना अच्छा टेस्टी लग रहा है, यम्मी है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट की गार्निशिंग भी कर लेती हूँ। तो बस अभी हमने कर लिया सर्व, आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।